हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस और आज हम बात करेंगे पेरिस के कुछ यूनिक और ऑसम आइडियाज़ के बारे में। और दोस्तों, मेरा हर एक वीडियो में एक ही मकसद होता है कि आप इन स्टार्टअप से इंस्पिरेशन ले और इंडिया में भी कुछ यूनिक और ऑसम करें। चलो यार, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले स्टार्टअप पे मैंने रखा है बला बला कार को। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन या आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है अपनी खुद की गाड़ी में, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कार, ट्रक, बाइक, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी गाड़ी में कुछ सीट खाली रहती है। तो उस समय उस बंदे पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो उसकी खाली सीट है वो किसी और पर्सन को दे सकता है और उसके बदले कुछ पैसे ले सकता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों का पेट्रोल भी बचेगा और पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा। और इसी को नज़र में रखते हुए इस स्टार्टअप ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें अगर कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी डेस्टिनेशन पब्लिश कर सकता है, और जब किसी पर्सन को उसी सेम डेस्टिनेशन पर जाना होगा तो वो इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसमें वो पर्सन भी इजिली उस पर्सन के साथ वहां पर जा सकता है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही एडवेंचरस सफर सा होगा। क्या पता कैसे लोग मिल जाए, मजा ही आ जाएगा, क्या पता। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये हर साल $216 मिलियन का पेट्रोल सेव करता है ये स्टार्टअप, और इससे CO2 भी बहुत हद तक कंट्रोल में है पेरिस में। दोस्तों, ये स्टार्टअप फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और लगभग $448 मिलियन की करीब फंडिंग रेस कर चुका है। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये ओला उबर जैसी कंपनीज को भी आराम से टक्कर देगा, क्योंकि यार जहां पर ओला उबर जैसी जो कंपनीज है वो ड्राइवर से 30-40% कमीशन लेती है, वहीं पर ये स्टार्टअप सिर्फ 5-15% के बीच में कमीशन लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो भी पूरे तरीके से कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जिसमें इनका ज्यादातर रेवेन्यू कमीशन से ही आता है। और दोस्तों, इनका वर्किंग मॉडल भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इनका जो प्लेटफॉर्म है वो खोलना है, अपनी डेस्टिनेशन उस पे पोस्ट करनी है कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अगर किसी को मेरे साथ इस डेस्टिनेशन पर जाना है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और बूम, बहुत ही सिंपल आइडिया है इनका और बहुत ज्यादा ऑसम आइडिया है। और दोस्तों, इसमें एक स्पेशल फिल्टर भी है कि अगर किसी लड़की को बस लड़की ड्राइवर के साथ ही मतलब ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी इन्होंने एक सुविधा दे रखी है, जो कि बहुत अच्छा है लड़कियों की सेफ्टी के हिसाब से। और दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑड इवन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव आइडिया है, जो कि बहुत हद तक पॉल्यूशन कम करेगा। आप देखो कि आप इस आइडिया में और ज्यादा यूनिक और ऑसम क्या कर सकते हो, और जल्दी से स्टार्ट कर दो भाई इंडिया में भी ऐसा कुछ। बात करते हैं अपने दूसरे स्टार्टअप की, और जिसपे मैंने रखा है जेनली को। दोस्तों, इन्होंने सिंपली एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप डेवलप किया है जिसमें जो भी हमारे करीबी फैमिली मेंबर या दोस्त है वो हमें ट्रैक कर सकते हैं, हमारे फोन की बैटरी कितनी है, हम कहां पर है, कहां ट्रैवल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इसमें फीचर्स दे रखे हैं इन्होंने, और वो हमारे साथ वीडियो कॉल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे इस स्टार्टअप में एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज लगी उन लोगों के लिए जो कहीं दूर रहते हैं अपने घर से, जिनके पेरेंट्स उनकी बहुत ही ज्यादा फिकर करते हैं, या लड़कियों की जो रात में कहीं काम करती हैं, मतलब उनके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और उनके लिए तो मस्त ऐप होगा, जो अपने पापा को देखते बैठ जाते हैं, सीधा उनको ट्रैक करो और जब भी वो घर पे आने वाले हो तो किताब लेके बैठ जाओ। बात करें अगर इस स्टार्टअप की फंडिंग की, तो ये अभी तक $35 मिलियन के आसपास फंडिंग रेस कर चुका है, और आज इनके जो प्ले स्टोर ऐप पे 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुकी। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने थर्ड नंबर के स्टार्टअप आईडिया पे, जिसपे मैंने रखा है फूड वाइजर को। दोस्तों, इस स्टार्टअप ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसमें अगर हम किसी भी फूड को स्कैन करते हैं तो उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा देता है कि आखिर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा कैलोरीज है, कितने फैट है, क्या प्रोटीन है, क्या फाइबर है, सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा देगा। और ये एक हेल्थ कॉन्शियस ऐप है, मतलब जिसमें जिन बंदों को मतलब जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो बहुत ही फिट रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। इस स्टार्टअप ने $5.5 मिलियन के करीब फंडिंग रेस की है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये, और इस ऐप के प्ले स्टोर पे 5 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, जो कि यार बड़ी बात है, 5 लाख बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने फोर्थ नंबर के आइडिया पे, जिसपे मैंने रखा है डॉक्टर लिखो। इस स्टार्टअप ने एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म डेवलप किया जो बहुत ज्यादा पेशेंट की हेल्प करता है, जिन्हें हम मरीज कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट इजिली ले पाओगे, या फिर उनसे वीडियो कॉलिंग पे कंसल्टेंट ले पाओगे, जो बहुत सारी फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यार जो इनकी वेबसाइट है वो पूरे तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज में थी, और ऐसे ट्रांसलेट करना, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश की और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस स्टार्टअप ने $25 मिलियन से भी ज्यादा फंडिंग रेज की है, और इनकी वेबसाइट पे अभी तक 70,000 से भी ज्यादा डॉक्टर लिस्ट है। इस वेबसाइट पे हर मंथ 25 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स विजिट करते हैं, और लगभग ये 300 से भी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दोस्तों, सबसे मस्त बात बताऊं, ये अपनी सर्विस बस यूरोप में दे रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको यूनिक वे में इंडिया में भी कर पाओ। आप चाहे तो इसमें एक ऐसा फीचर दे सकते हो, जैसे कि इमरजेंसी वाला डॉक्टर, आए दिन लोग पता नहीं उन्हें हार्ट अटैक या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो कि आपकी हेल्प करेगा उनके साथ कांटेक्ट करने में। आप चाहे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वो बंदा जो आपका प्लेटफॉर्म है उसकी हेल्प से
इंस्टेंट डॉक्टर के साथ वीडियो कॉलिंग कर पाए और अपनी राय ले पाए कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। और भी आप बहुत सारे फीचर्स देख सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। पांचवी स्टार्टअप पे मैंने रखा है लैवी स्टार्टअप को। दोस्तों इस स्टार्टअप का आइडिया तो बहुत ज्यादा यूनिक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाओ। इस स्टार्टअप में जो आप अपना पर्सनल रूम है इस स्टार्टअप में लिस्ट कर सकते हो और दुनिया भर में ट्रेवल कर सकते हो। मतलब आप इनकी एक कम्युनिटी में ज्वाइन हो गए जिसमें आप जो आपका रूम है आप इस स्टार्टअप को दे रहे हो, और जो ये स्टार्टअप है जो आप अपना रूम दे रहे हो वो किसी और गेस्ट को देगा जो इस कम्युनिटी में होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? आप बस अपना रूम इस स्टार्टअप को दो और चाहे तो पूरी दुनिया में ट्रेवल करो, और जो बंदा भी इस स्टार्टअप में अपने रूम सबमिट करेगा आप उनके रूम पे जाके बहुत ही लो प्राइस में पूरी दुनिया घूमते हुए इनके रूम पे रह पाओगे। और ये आपके रूम की पूरी जिम्मेदारी लेगी, अगर कोई भी चीज चोरी वोरी होती है तो उसका भी पूरा इंश्योरेंस आपका पैसा मिले। बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया, बहुत ही मजा आ जाएगा अगर ऐसा आइडिया भी इंडिया में आ जाए तो। और जो पर्सन भी आपके रूम पे रहने आएगा वो एक वेरीफाइड पर्सन होगा, तो आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि कहीं आप चोर वोर समझ दो उसको। चलो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, आपको इस स्टार्टअप को अपना पर्सनल रूम देना है और आपको पूरी दुनिया घूमनी है, और जो और बंदों ने अपना रूम इस स्टार्टअप में दे रखा होगा आप चाहे तो बहुत ही लो प्राइस में इनके रूम पे रह सकते हो। समझ में आया ना यार? कमेंट करके बताना। इस स्टार्टअप ने लगभग $19 मिलियन के करीब अभी तक फंडिंग रेज कर लिया है, बहुत ही यूनिक और ऑसम आइडिया है। और दोस्तों आज के लिए बस इतने करते हैं, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, जो रूम भी आप इस स्टार्टअप को दोगे उसके ऊपर आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलेगी, जो ये स्टार्टअप है वो आपके बैंक में भेज